हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं एक और मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम है चिकन पास्ता। ये आप ब्रेकफास्ट पे बना सकते हो या फिर बच्चों के टिफिन में पैक करके दे सकते हो। बहुत ही यमी बनती है और बहुत ही फटाफट से बन जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीज किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक पतीले में ले लेंगे पानी और पानी को हम अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे। और जब ही पानी में एक उबाल आ जाएगी हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एक तो पास्ता के अंदर ना नमक जाएगी ही नहीं। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पास्ता। मैं यहाँ पर स्पाइरल पास्ता यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो कोई भी पास्ता ले सकते हो। अब स्पाइरल पास्ता में क्या होता है, ये ना सॉस को अच्छी तरह से पकड़ लेता है, तो इसलिए ना मैं हमेशा स्पाइरल पास्ता ही यूज़ करती हूँ। और पास्ता को हम थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे, इसको हम ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे। हाथों से एक बार आप चेक कर लेना, ये एक बारी में टूट जाए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं चम्मच से देख रही हूँ, ये बिल्कुल टूट चुकी है, मतलब कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको छान लेंगे। ये देखो मैंने इसको अच्छी तरह से छान लिया है, इसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम ले लेंगे एक पैन और उसमें ले लेंगे तेल। 3 बड़े चम्मच इतने मैंने यहाँ पे तेल ली है। और तेल जब ही अच्छे से गर्म हो जाएगी तब हम उसमें डाल देंगे चिकन। चिकन को मैंने मैरिनेट नहीं किया है, घबराना नहीं है दोस्तों, ये फटाफट बन जाएगी और काफ़ी अच्छी भी बनेगी। तो बोनलेस चिकन लिया है मैंने और इसको छोटे छोटे मैंने कट कर लिया है इसमें। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अभी आप चाहो तो इसको अदरक लहसुन के पेस्ट से मिला के मैरिनेट करके भी रख सकते हो। और थोड़ा सा जब ये फ्राई हो जाए, ये देखो ये थोड़ा सा कलर चेंज इसका हो चुका है, मतलब ये फ्राई हो चुकी है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे और उसी तेल में हम डाल देंगे 1 बड़े चम्मच इतना बारीक कटी हुई लहसुन। इसको हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। लहसुन बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है दोस्तों, तो तेल का जो टेम्परेचर है उसको ध्यान में रखते हुए आपको इसे फ्राई करनी है। थोड़ा सा फ्राई हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच इतना बारीक कटी हुई अदरक और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ के बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज डालने के बाद फ्लेम को आप हाई पे कर सकते हो, थोड़ा सा प्याज जो है ट्रांसलूसेंट हो जाए। उसके बाद इसमें डाल देना बारीक कटी हुई हरी मिर्च और उसी के साथ में डाल देना मटर। अगर आप मटर डाल रहे हो तो अभी डाल देना सबसे पहले। मटर को भूनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए 3-4 मिनट मटर को भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई गाजर और बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। एक मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के टमाटर डाले हैं। अब सब्जियों का क्या है ना दोस्तों, आप सब्जियाँ अपने पसंद से डाल सकते हो, आपको जो सब्जी पसंद है आप डाल सकते हो। अब हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि क्रंचीनेस रहने देना है सब्जियों का। तो नमक हमें डालना है अभी, तो थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार हम डाल देंगे, थोड़ा सा मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये फ्राई करके रखी हुई अपनी चिकन को। चिकन डालने के बाद सब्जियों के साथ हम इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। अब सब्जियाँ आप चाहो तो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टमाटो केचप 2 बड़े चम्मच इतना, 1 बड़े चम्मच इतना मैं डाल रही हूँ चिली सॉस, 1 छोटा चम्मच इतना मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, 1 छोटा चम्मच विनीगर और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे काले मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स चाहो तो डाल सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो। और ये मेरे घर पे थोड़ी सी ओरिगैनो फ्लेक्स थी तो मैं वो भी इसमें डाल रही हूँ। और ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने फ़िलहाल कर दिया है मीडियम पे। तो सारे सॉस के साथ सब्जियाँ अच्छी तरह से बाइंडिंग हो गई है। अभी हम इसमें डाल देंगे ये पास्ता। अब ये देखो पास्ता कितनी खिली खिली है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 5 से 7 मिनट मिलाएंगे और बस इसको सर्व कर लेंगे। ये 4-5 घंटे बाद भी ऐसे ही रहती है खिली खिली, बहुत ही यमी बनती है। और आपने देखा भी इसे बनाना कितना ज़्यादा आसान था। तो इसको एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले जो चिकन पास्ता है वो कैसे बने हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नया रेसिपी के साथ।